शांतिपूर्वक पैदल मार्च कर रहे थे, उसके बाद में हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, जो स्वाधीनता सेनानी हमारे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों से जो मुकाबला किया और अंग्रेजों ने जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में करते थे, अत्याचार और अन्याय, वो आज केंद्र की मोदी सरकार हमारे विपक्ष के सभी लोगों के और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर रही है। आज जो रिटेन किया गया राहुल गांधी जी को, उसका हम विरोध करते हैं। आज हमने शांतिपूर्वक मौन जुलूस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ तक कार्यकर्ता और नेताओं के साथ निकाला और ये जो कैडल हमने यहाँ आज कारगिल विजय दिवस के ऊपर यहाँ शहीद के स्मारक पे जो हमने यहाँ पर जलाई है, वो राहुल गांधी जी के जो डिटेन किए जाने के खिलाफ हमने ये प्रदर्शन हमारा किया है। और सुबह का जो सत्याग्रह था, वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सोनिया गांधी जी को हैरान और परेशान करने और उनको नाजायज तरीके से जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ था। तो मैं समझता हूँ कि ये देश की अब एक आवाज़ बन चुकी है कि केंद्र की मोदी सरकार देश में अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, तानाशाहपूर्वक व्यवहार कर रही है और सत्ता के लालची लोग आज केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। ये आम जनता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी कहने लग गए हैं कि जो राजनीति के माध्यम से सरकारें बना करके देश के लोगों की, समाज के लोगों की, पीड़ित वर्ग की जो सेवाएं की जा रही थी, उस मूल उद्देश्य से केंद्र की सरकार भटक गई है और वो सत्ता कैसे प्राप्त हो और सत्ता पे बरकरार कैसे रहे, इस दिशा में वो लोग चल रहे हैं। तो आज हमारा जो ये शांतिपूर्वक पैदल मार्च और जो कैडल मार्च था, पूरे दूध आपके दही छाछ इन पर जो टैक्स लगाया वो वापस लो, अब एमपी को बाहर निकालोगे तो कौन लड़ेगा? राहुल गांधी लड़ेगा। अब आप राहुल गांधी को गिरफ्तार करके देश में कांग्रेस को डराना चाहते हो, जनता को डराना चाहते हो। आज तो सत्याग्रह था, जिस भाषा में बीजेपी लड़ना चाहती है उसमें कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन जनता पर जुल्म नहीं होने। आज बीजेपी ये चाहे कि आप पुलिस का भेजा इस्तेमाल करोगे, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैसे मार रहे हैं आप देखो, ये राइट है आपको? आप तो सत्ता का, अपनी सरकार की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। और आप देख लेना, यदि इस तरह से ये जुल्म करते रहे, आटे पर टैक्स लगा रहे हैं, कभी चावल पर कभी दाल पर, ये हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इनके मन में पाप है और जिनके मन में पाप होता है उनको किसी से मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो तिरंगे को अपना धर्म मानती है और आज उसी को लेकर हम पहले सुबह धरना कहा शहीद स्मारक पर, अब वापस कैंडल जलाई शहीद स्मारक पर। आज तो कारगिल दिवस है, कारगिल विजय दिवस है और आज के दिन कांग्रेस सड़कों पर है। इससे आप अंदाज कर लो कि सुबह से लेकर रात तक, और इतना मैं कह सकता हूँ, राजस्थान में जितना आंदोलन अपोजिशन में होते बीजेपी नहीं कर पाई, उससे 3 गुना ज्यादा आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। ना तो उनके साथ भीड़ है, ना लोग हैं, वो तो सीधी सीधी ना तो आटा दाल चावल पर जो महंगा हो गया, लोग भूख से मर रहे हैं।